हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन साड़ी हॉल। मैंने वेडिंग के लिए कुछ साड़ियाँ अमेजोन से ऑर्डर की थी और वो मुझे मिल गई है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो किस तरह से है साड़ियाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि साड़ियों की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी आएगी, बट अगर अच्छी आई है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से और आप भी परचेस कर सको। मतलब साड़ियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप मार्केट में भी सर्च करने जाओगे तो ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी सस्ती आपको साड़ियाँ नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सारी वेडिंग स्पेशल साड़ी है और एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो सबसे पहले है ये साड़ी, ये तो ये है ग्रीन इन कलर में, मतलब मेहंदी कलर की साड़ी है। ये वाली साड़ी आप अगर आपके घर में कोई वेडिंग हो तो आप ये मेहंदी पे पहन सकते हो, इसी वजह से मैंने ली है। एक्चुअली आप सभी को पता है मेरे भाई की शादी है, उसी के लिए मैंने ये शॉपिंग की है। और ये जो साड़ी है आप मेहंदी के फंक्शन पे पहन सकते हो। मेहंदी ग्रीन कलर की साड़ी है और पूरी इस तरह की इसकी बॉर्डर है, नीचे की बॉर्डर आप देख सकते हो, बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और जो गोल्डन शेड है, मतलब बिल्कुल डल गोल्डन नहीं है, इतना ज़्यादा प्यारा गोल्डन है कि आपको क्या बताओ। मतलब इसका अगर आप पहनोगे ना तो बिल्कुल चीप क्वालिटी की नहीं है साड़ी। और कपड़ा क्वालिटी भी आप देख सकते हो, कपड़ा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कड़क वाला नहीं कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। अगर आप ये पहनते हो तो बिल्कुल कंफर्टेबल लगने वाली है, लाइट वेट साड़ी है और बिल्कुल कंफर्टेबल लगने वाली है। आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा हीवी हो रही है, या शादी के टाइम पे आप अगर साड़ी परचेस करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा हीवी साड़ी आपको मिलती है, तो ये बिल्कुल हीवी नहीं है। सिर्फ लुक हीवी है इसका, बट ये साड़ी वेट में बिल्कुल हीवी नहीं है, लाइट वेट साड़ी है। और ये वाली साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मतलब सारी साड़ियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बट मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि आप कौन से फंक्शन पे कौन सी साड़ी पहन सकते हो। तो ये वाली साड़ी आप देख सकते हो, तो इसकी बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसका पल्ला आपको दिखाती हूँ मैं, तो इसका पल्ला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली इस पर एक ब्लाउज पीस दिया है, मतलब ये वाला इसका ब्लाउज पीस है, प्लेन ब्लाउज पीस है, इस तरह से प्लेन ब्लाउज पीस दिया है इस पर। और इसका जो पल्ला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका जो पल्ला है वो आगे की तरफ है और पीछे की तरफ इसका जो ब्लाउज है वो है, तो आप देख सकते हो पल्ला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गोल्डन कलर का पल्ला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो, मतलब इस साड़ी को अगर आप लेते हो तो बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करोगे, तो मतलब आपको पछतावा नहीं होगा कि ये साड़ी आपने ली है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि साड़ियाँ कैसी आएगी, मैं भी डर रही थी पहले, मैंने साड़ियाँ तो ऑर्डर कर दी है बट क्वालिटी कैसी आएगी, कपड़ा कैसा मिलेगा, तो सारी चीज़ों के लिए, बट कपड़ा बहुत ही अच्छा आया है। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कपड़ा अच्छा नहीं आएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो मैं रिटर्न कर दूँ, बट रिटर्न करने वाली साड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ मिली है। बट इसमें एक साड़ी मैंने ऑर्डर की थी बट वो थोड़ी सी कपड़ा क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मैंने रिटर्न कर दी। और वो साड़ी मैंने आपको दिखाई भी नहीं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं, वो मैंने रिटर्न कर दी है ऑलरेडी, तो इसी वजह से मैंने सोचा वो आपको दिखाने से फ़ायदा नहीं है साड़ी, तो मैंने पहले ही रिटर्न कर दी थी वो। तो ये है साड़ी, मेरी फर्स्ट साड़ी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। सेकंड साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कलर आप देख सकते हो, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, किसी भी इंडियन स्किन टोन पे ये कलर सूट होने वाला है। मतलब जो भी मैंने कलर लिए है बहुत ही ज़्यादा प्यारे कलर है और आपके ऊपर सूट करने वाला है, कोई भी स्किन टोन हो आपके ऊपर सूट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, हाफ कलर की पिंक साड़ी है और हाफ कलर की ये ब्लू साड़ी है। तो इस तरह से इसका जो पल्ला है आप देख सकते हो, ये जो है इसका पल्ला है, एक्चुअली इस साड़ी का पल्ला कुछ इस तरह से है, हाफ साड़ी पिंक साड़ी है ये, और इस तरह से इसकी बॉर्डर है, और हाफ साड़ी जो है वो इस तरह से है, मतलब ब्लू कलर की है। आप पहने हुए मुझे देख ही लोगी पिक में किस तरह से लगती है ये साड़ी। और इस पे जो ब्लाउज है वो भी कुछ इस तरह से दिया है, मतलब सेम ही ब्लाउज दिया है इस तरह से, ये वाला ब्लाउज है इसका, मतलब जो साड़ी है वो थोड़ा सा बूटे बड़े बड़े हैं इसके, इस तरह से डिज़ाइन है, और जो इसका ब्लाउज है उसके बूटे जो है वो छोटे दिए हैं, सेम डिज़ाइन है बट छोटे बूटे दिए हैं। तो और इसका जो क्या बोलते हैं बॉर्डर जो है वो आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, मतलब आप यहाँ तक भी स्लीव सिलवाते हो ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी कि यहाँ तक की स्लीव इसकी। और कपड़ा क्वालिटी की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो, और इसकी जो गोल्डन जरी है, जरी का जो वर्क है, गोल्डन वर्क, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, मतलब बिल्कुल चीप नहीं लगता है, अगर देखने से बिल्कुल ऐसे मतलब आँखों में नहीं भरता है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये साड़ियाँ हैं। तो मुझे तो ये भी साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। थर्ड साड़ी मेरी ये है गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी कितनी भी तारीफ करूँ कम है,
ये इन साड़ियों में से फेवरेट साड़ी है मेरी, और कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है। तो आप देख सकते हो पूरी साड़ी इस कलर की है, और पल्ला जो है सिर्फ इस कलर का है, और इसका जो ब्लाउज है वो भी इस कलर का है, मतलब मरून कलर का ब्लाउज है इसका। आप देख सकते हो नेवी ब्लू कलर की पूरी साड़ी है, और ये जो है इसका ब्लाउज है, और पल्ला जो है वो ये है इसका। आप देख सकते हो पल्ला भी काफी ज्यादा भरा हुआ है, काफी ज्यादा प्यारा है, और गोल्डन जरी वर्क भी काफी ज्यादा प्यारा है इसका तो। और पूरी साड़ी भी आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे बूटे दिए हैं, और काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन है इसकी भी बूटों की, इस तरह से मतलब पत्तियों की शेप में इसके बूटे दिए हैं। और मुझे तो ये भी साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब ये तो साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, और लंबाई में भी ये जो सारी साड़ियां है वो लंबाई में भी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब काफी अच्छी खासी लेंथ है इनकी। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लाउज पीस निकालने के बाद आपको साड़ी छोटी पड़ेगी या प्लेट्स इसके कम पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल चीप क्वालिटी की नहीं है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो कपड़ा कितना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है सारी साड़ियों का, और सेम मटेरियल है सारी साड़ियों का। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ओवरऑल साड़ी कुछ इस तरह से है ये, तो ये है मेरी थर्ड साड़ी। सो गाइज फोर्थ साड़ी है ये, और ये भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है गाइज। मतलब जो भी मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई है वो 1000 के अंडर ही है, और मतलब ज्यादा से ज्यादा 1100, बस उससे ज्यादा की साड़ियाँ नहीं है। और ये जो साड़ी है ये मुझे 399 रुपीज में पड़ी है, बट इसका भी आप देख लीजिए, ये भी साड़ी ओवरऑल ये जो साड़ी है वो इस तरह से है, मतलब पूरी साड़ी ये इस तरह से है, आप देख सकते हो इस तरह से पूरी साड़ी है ये, और इसे इसके नीचे जो बॉर्डर है वो इस तरह से है, आप देख सकते हो। और इसका जो ब्लाउज पीस है इन्होंने इस तरह से दिया है, मतलब डॉट डॉट वाला पूरा, और इसकी बॉर्डर भी इस तरह से ही दी है, सेम साड़ियों की जैसी बॉर्डर है इसकी। और इसका जो पल्ला है वो मैं आपको दिखाती हूँ अब, इसका जो पल्ला है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, मतलब इसके नीचे ऐसी टसल्स दी है, मतलब काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हो पूरी जाली वाले टसल्स दिए हैं, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। और हाँ मैंने जो पहने हुए हैं तो वो एकदम ऐसे ही पहने हुए हैं, पिनअप वगैरह नहीं किए थे, तो जो लुक है वो इतना अच्छे से नहीं आएगा। जब आप ब्लाउज वगैरह स्टिच करोगे या पूरे अच्छे से साड़ी जब पहनोगे पेटीकोट पे या सारी चीजें मैचिंग करोगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। मेरे ऊपर वैसे ही मतलब मैंने ऐसे ही पहन ली थी साड़ी, तो इसी वजह से वो थोड़ी सी फुली फुली सी लग रही थी, बट अगर आप अच्छे से पहनोगे साड़ी, और मतलब सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए ऐसे पहनी है, बट जब आप अच्छे से पहनोगे पिनअप वगैरह करोगे अच्छे से एक्सेसरीज वगैरह करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाली है। और आप देख सकते हो इसका पल्ला कितना ज़्यादा प्यारा है, तो इस तरह से इसका पल्ला है, और इसका जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना ज़्यादा सॉफ्ट आएगा मटेरियल, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल आएगा सिर्फ 399 रुपीज में। तो अभी ऑफर चल रहे हैं, अभी इसके प्राइस जो है वो डाउन हो चुके हैं, तो अभी आप परचेस कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है तो। अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, और ये साड़ी मुझ पर कैसी लगती है तो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं ये साड़ी मुझ पर कैसी लगती है। So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe you're trolling. So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe. So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me?
आई होप गाइज आपको ये मेरा अमेजोन साड़ी हॉल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से अगर कोई मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।